गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ पुलिस ने बीती 17 फरवरी को एक कलेक्शन एजेंट से 70,000 की हुई लूट का खुलासा कर दिया। पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली, दो युवक जिसमें एक का नाम मनीष और पंडित दूसरा सौरभ को गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि 17 फरवरी को जो बैंक कलेक्शन एजेंट से 70,000 की लूट हुई थी, वह लूट इन दोनों ही शातिर लुटेरों ने की थी। इससे पहले भी इन लुटेरों ने 10 फरवरी को शालीमार सिटी से एक व्यक्ति से 20,000 की भी लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने इनके पास से लूटे गए रुपए में से लगभग 65,000, एक चोरी की मोटरसाइकिल, दो अवैध तमंचा भी बरामद किए हैं। गाजियाबाद एसपी सिटी ने बताया कि यह बहुत ही शातिर किस्म के लुटेरे हैं और लगभग गाजियाबाद में इनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सर, दो लुटेरे पकड़े गए हैं, क्या है पूरा मामला? ये थाना टीला मोड़ में 17 तारीख को एक घटना हुई थी गाजियाबाद में, जिसके अंतर्गत 392 का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। एक किसान थे जिनके साथ दो बदमाशों ने उनके सर पे वार करके और 70,000 रुपए लूट लिया था। वो बैंक कलेक्शन के एजेंट थे, काम करते थे। इसके अनावरण के लिए हमारी टीला मोड़ की टीम लगी हुई थी और इसी क्रम में टीला मोड़ को हमारी अच्छी सफलता मिली है, जिसके क्रम में उनके द्वारा दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में इनके पास से घटना में जो प्रयुक्त दो तमंचे थे वो बरामद किए गए हैं, जो मोटरसाइकिल थी वो बरामद हुई है। जो लूट के 70,000 रुपए थे उसमें से लगभग 65,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। पूछताछ से ये भी ज्ञात हुआ कि ये शातिर किस्म के बदमाश हैं। इनके द्वारा 10 तारीख को भी एक घटना कार्य की गई थी जिसमें 20,000 रुपए लूटे गए थे। इसके अतिरिक्त अन्य घटनाओं में भी इनके सम्मिलित रहने की बात बताई गई है। एक ये भी ज्ञात हुआ कि इनके द्वारा एक वाहन की चोरी की गई थी जिसमें इसकी दिल्ली पुलिस के द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत ऑलरेडी इनके ऊपर कायम है। हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, अन्य थानों से भी इनकी पहचान करवा रहे हैं। शीघ्र ही जितनी घटनाओं में इनकी सम्मिलित होने की जानकारी मिलती है सब में खुलासा किया जाएगा। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा कायम किया जाएगा। कठोरतम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।